हाय एवरीवन दिस इज वे आज हम एक हिमालयन स्नेक के बारे में बात करेंगे हिमालयन स्नेक का एक नया स्पीशीज रिसर्चर्स को पता चला थ्रू इंस्टाग्राम तो यहाँ पे हमेशा सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा डिस्कवरी हुआ है कि स्नेक किस स्पीशीज़ के बारे में पता चला इसके पीछे क्या स्टोरी है मैं आपको बताऊंगी आपकी कोई भी क्वेरी आप कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टू क्या दोन मीडियो ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स जो हमको देख रहे हैं उनको बता दूँ स्टडी आई के पास कोर्सेज अवेलेबल हैं वेरियस कोर्सेज हिमाचल हिमाचल प्रदेश पी एस सी जुडिशरी एस एस सी एस आई जी के टी ई टी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं अब देखिए रिसर्चर्स को एक नया स्नेक का स्पीशीज मिला जो कि आज तक अनएक्सप्लोर्ड था किसी को जिसके बारे में नहीं पता था वो भी कहाँ पे इंस्टाग्राम पे जो कि एक सोशल मीडिया साइट है हम सब इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि उसके थ्रू रिसर्च भी हो सकती है ओलिगोडॉन स्पीशीज का ये स्नेक है जो डिस्कवर हुआ आप इसको प्रिंट मीडिया पर भी ये न्यूज़ देख सकते हैं अब कोविड लॉकडाउन में आपने देखा काफ़ी लोग घर पे लॉक थे कुछ लोग रेस्ट कर रहे थे कुछ लोग और प्रोडक्टिव काम कर रहे थे तो इसी के चलते एक मास्टर स्टूडेंट्स हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वो अपने बैकयार्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट होता है जो स्पेशली बायोलॉजी से होते हैं या बायोलॉजी से ना भी हो तो भी इंटरेस्ट हो सकता है एनिमल्स में डिफरेंट स्पीशीज़ में तो बहुत लोग एक्सप्लोर करते हैं तो वो अपने बैकयार्ड में चंबा के रहने वाले हैं दैट मीन्स अ फोटो ऑफ हिमालयास वहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे थे रोज़ फोटोग्राफ खींचते थे अलग अलग तरह के स्नैक्स के लिज्ड्स के फ्रॉग्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स के आपको इस तरह के बहुत सारे पेजेस इंस्टाग्राम पर पे मिलते होंगे यंग एंथुसिया के द्वारा तो ये फोटोज़ अपलोड करते थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम तो इसके चलते एक जो पोस्ट थी उन्होंने जून फिफ्थ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी को उन्होंने अपलोड किया तो एक जिशान ए मिर्जा हैं हार्पेटोलॉजिस्ट हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन होते हैं ये काम करते हैं नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इन बेंगलुरु उन्होंने फोटो में एक इस तरह के स्नेक को देखा जिससे वो अनफेमिलियर थे क्योंकि वो स्नेक्स पे काम करते हैं तो उन्होंने देखा कि इस तरह का स्नेक तो मैंने कभी पहले नहीं देखा ऑल तो ये मिलता जुलता है किसी स्पीशीज से लेकिन एग्जैक्टली ये वो स्नेक नहीं है ये कुछ नया स्पीशीज़ लग रहा है तो ये स्नेक जो देखा उन्होंने वो समझ गया कि ग्रुप है जिसका नाम है कुकरी स्नेक्स ठीक है उस ग्रुप से ये बिलोंग करता है ये इसका नाम उसके कर्व्ड टीथ की वजह से पड़ा है जो कुकरी जैसे दिखते हैं नेपाली डैगर को कुकरी बोलते हैं और ये जो स्पेसिमन है ये कॉमन कुकरी स्नेक जो रीजन में पाया जाता है उससे नहीं मिलता उससे अलग है तो हो सकता है एक नई स्पीशीज़ हो अब uh, फाइनली और भी इस तरह के स्नैक उन्होंने जो स्टूडेंट है उन्होंने लोकेट किए और जो टीम है फिर वो वेट करने लगी क्योंकि आपकी इसका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करें बिकॉज ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते फोटो देख के आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चलेगा पूरा जिससे पता चलेगा कि ये कोई नई स्पीशीज़ है या पुरानी स्पीशीज़ है लेकिन कोविड की वजह से काफ़ी देर तक ये काम जो है वो रुका रहा कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से लैब्स नहीं खुली थी आपकी और हिस्ट्री म्यूज़ियम्स विजिट करना भी डिफ़िकल्ट था तो एक बार 2000 थाउजेंड अर्ली टू थाउजेंड में जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस कम होने लगी तो इन्होंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया मोलिकुलर डेटा छांटना शुरू कर दिया स्पीशीज़ के बारे में फिजियोलॉजिकल उसके फीचर uh, सारे फीचर्स उसके देखने शुरू करे कि ये क्या है तो मॉर्फोलॉजिकल डेटा लिटरेचर से जो उठाया और इनफैक्ट सी जो उसका किया कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैंस जो स्पीशीज़ के किए जिससे उसका स्केल्टन आपको पूरा देखने को मिलेगा उससे ये रिवील हुआ कि जी हाँ ये पहले डिस्क्राइब्ड uh, नहीं है ये स्पीशीज कहीं पे भी अनडिस्क्राइब्ड स्पीशीज में से है तो अब नेक्स्ट काम था उसको नेम करने का नेमिंग का अब साइंस की कोई नई स्पीशीज है तो उसको नाम दिया गया ओलिगोडॉन चुराहेंसिस तो चूरा वैली जो है हिमाचल प्रदेश में उसके नाम पे इसका नाम रखा गया स्पीशीज़ का और फाइनली इसका पूरा डिस्क्रिप्शन क्योंकि आप कोई भी नई डिस्कवरी रिसर्च करते हैं तो आप जर्नल में छापते हैं ताकि सब लोगों को उस एकेडमिक्स के जो भी लोग हैं रिलेटेड उनको पता चले तो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स में ये पेपर जो है छपा लेकिन आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग बात की इंस्टाग्राम से इन्होंने ये देखा वैसे भी वेस्टर्न हिमालयस जो हमारे हैं कंपेरेटिवली इतने एक्सप्लोर्ड नहीं हैं ईस्टर्न हिमालयस में काफ़ी एक्सप्लोरेशंस चलती रहती हैं लेकिन वेस्टर्न हिमालय में इतनी एक्सप्लो इतना एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे अब टीम्स जो हैं वो भेजेंगे आ, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की यहाँ पे भी पता चले कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है जो अनएक्सप्लोर्ड है रीजन में हो सकता है बहुत सारी यूनिक स्पीशीज़ हो, हो क्या सकता है वहाँ पर यूनिक स्पीशीज़ रिप्टाइल्स की आ, लेकिन लास्ट कुछ सालों में ही जो सामने आना शुरू हुई हैं क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लोरेशन जो है वो शुरू किया है तो अब देख सकते हैं ये रीजन आपका वेस्टर्न हिमालयस का और अगेन प्रिंट मीडिया में अलग अलग जगह ये तो हमने खैर हिमाचल प्रदेश की चूड़ा वैली की स्नेक की बात की जो इंस्टाग्राम पे मिला लेकिन कुछ और स्पीशीज भी हैं स्नेक के जो तमिलनाडु में आ, मिले तमिलनाडु में जिनको नई स्पीशीज को देखा गया प्लाटिस प्लाटिसप्स जोसिफाई एक इंटरनेशनल टीम थी रिसर्चर्स की उन्होंने नई स्पीशीज रेसर स्नेक की ट्यूटिकॉरन फ्रॉम ट्यूटिकॉरन इन तमिलनाडु उसको इन्होंने खोजा और एक नेमिंग कन्फ्यूजन था जो काफी सेंचुरीज से था उसको भी क्लियर किया ये जो नई स्पीशीज थी इसका नाम रखा गया प्लाटिसप्स जोसेफाए जोसेफाई नवीन जोसेफ़ एक लेट हर्पेटोलॉजिस्ट हैं जो स्नेक्स पे काम करते थे उनके नाम पे उसको रखा गया इसके बॉडी पे आप देख सकते हैं इस तरह के वाइट बैंड्स हैं ब्राउन बॉडी है और इरेग्युलर आपको वाइट स्पॉट्स उसके हेड पे भी इस तरह के नज़र आएंगे तो ये स्पीशीज इन्होंने देखी इसकी लेंथ लेस देन अ मीटर भी है आ, है और ये नॉन वेनोमस है जहरीला नहीं है ये सांप इतना टर्शियल स्नैक है तमिलनाडु में आपको मिलेगा ये इसकी डाइट यूजली ये लज्स और स्मॉल रॉडेंट्स पे फीड करता है ये स्पीशीज़ को बहुत सारे वैसे बहुत से स्पीशीज़ देखो अनएक्सप्लोर्ड हैं क्या पता कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में आज तक हम जान नहीं पाए और एक्सटिंक्ट हो गए हो इसको बहुत सारी थ्रेट्स भी हैं थ्रेट होने के रीज़न इसकी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है ग्रास डिस्ट्रॉय हो रहे हैं क्योंकि हम ग्रास को प्लान्टशन में कन्वर्ट कर रहे हैं अर्बनाइजेशन हो रही है इस वजह से कुछ हैबिटैट से रिलेटेड थ्रेट्स स्नैक को हैं और इसको वनरेबिल प्लाटिस को माना जा रहा है कि इसको कंसीडर करना चाहिए वालरेबल कैटेगरी में आई क्राइटेरिया देखते हुए अब एक और स्नेक है यहाँ पे देखो जयलोफिस दीपकाय टाइनी स्नेक है ट्वेंटी सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और जायलोफिस दीपकाय कोकोनट प्लांटेशन कन्याकुमारी में पहली बार देखा गया और ये एक एंडेमिक स्पीशीज है एंडेमिक स्पीशीज यानी जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन में आपको मिलता हो तमिलनाडु में आपको ये मिलेगा और कुछ लोकेशन साउथ पार्ट सदर्न पार्ट जो आपका वेस्टर्न घाट्स का है वहाँ पे ये मिलेगा और अगेन इसका नाम भी आप देखेंगे एक इंडियन हर्पेटोलॉजिस्ट हैं दीपक वेरापन उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है स्नैक हर्पेटोलॉजी में उसको ऑनर करते हुए इसका नाम उनके नाम पर रखा गया और दीपक वुड स्नैक भी इसको कहा जाता है देखिए स्नैक हैंडलिंग की प्रॉपर गाइडलाइंस आती हैं ठीक है प्रिंट मीडिया में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और गाइडलाइंस ये मैंडेटरी करती हैं कि जो भी स्नैक हैंडलर्स हैं आपने काफ़ी लोग देखा होगा जो स्नैक्स को हैंडल कर लेते हैं उनकी एज 21 वन टू सिक्सटी फाइव ईयर्स है तो उनको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है उनके पास सर्टिफाई होना चाहिए एप्लीकेशन जो हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर्स जो हैं फॉरेस्ट के सोशल फॉरेस्ट्री के वो स्नैक किसी एक एरिया में कितने स्नैक हैंडलर्स हैं जो स्नैक को हैंडल करते हैं वो उनकी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं और सर्टिफाई करते हैं ये सर्टिफिकेट पाँच साल के लिए वैलिड होता है बीच में कैंसिल भी हो सकता है अगर ये पाया जाए कि जो स्नेक हैंडलर है किसी इल्लीगल एक्टिविटी में है तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल भी हो सकता है तो देखिए केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छी बात की इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया स्नेक हैंडलिंग को जो पहले आ, ऐसा फॉर्मलाइज नहीं था क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉपरली सर्टिफाई कर रहे हैं और इन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस भी बनाई हैं कि अगर स्नेक्स को रेस्क्यू करना है तो कैसे करना है कैसे उनको अन इनहैबिटेड एरियाज़ में फिर से रिलीज़ करना है तो प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पे बनाया गया है कि क्या क्या सेफ्टी इक्विपमेंट आप यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्टिव गियर आपको पहना होना चाहिए तो स्नैक हैंडलर्स के लिए इस तरह से यहाँ पर लिस्ट बनाई गई है उसके बाद जो भी स्नेक्स को जैसे किसी के घर में स्नेक निकलता है तो लोग डरते हैं कई बार मारने लग जाते हैं लेकिन अब अवेयरनेस लोगों में काफ़ी है तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए कोई स्नेक हैंडलर को जानते हैं उसको बुलाइए वो लाके उसको पकड़ेगा बिकॉज वो ट्रेंड होंगे और फिर किस फॉरेस्ट किसी फॉरेस्ट ऑफिशियल के सामने ही उसको वापस जंगल में या किसी अन इनहैबिटेड प्लेस पर रिलीज किया जाएगा आ, अगर कोई सांप इंजर्ड हो गया है तो पहले उसकी उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जा के, उसकी फ़िटनेस का ध्यान रखा जाएगा नॉन नेटिव स्पीशीज़ है तो उसको ऐसे ही रिलीज़ नहीं कर देंगे उसको फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही देंगे सो so, बहुत से गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल इस पर हैं कि किस तरह से स्नैक को ए, प, एक बार पकड़ने के बाद रिलीज़ करना है ध्यान रखना है कि वो इंजर्ड तो नहीं है क्या वो यहीं का स्पीशीज़ है कहीं बाहर से तो नहीं आया बाहर से आया आपको लगता है नॉन नेटिव स्पीशीज़ है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना है अगर वहाँ का लोकल स्पीशी है तो स्नैक हैंडलर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने ही उसको रिलीज करना है किसी सेफ जगह पे अब क्वेश्चन आपके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक स्पीशीज रिसेंटली फाउंड इन हिमालयन रीजन तो देखिए इस तरह का सवाल आ सकता है तो आप यहाँ पे देख लीजिए इसलिए मैंने इन दोनों स्पीशीज को भी यहाँ पे आपको बता दिया ओलोगि चुराहेंसिस दिस इज द राइट आंसर बट यू कैन ऑलवेज पार्टिसिपेट इन टेलीग्राम फॉर द फॉर दिकिंग द राइट आंसर पिकिंग अप द राइट आंसर बाकी कोर्सेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच